नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सोनू लो। भाई आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ हैं और मैं आपका अपना दोस्त सोनू, और जो दोस्त नया है वो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। जी हां दोस्तों, आपने जो थंबनेल में देखा, जो सुना, वो बिल्कुल सच है। लाख गुना महंगा हो गया सिक्का। कौन सा सिक्का, वो भी आज आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं, और क्या कीमत है उसकी आज, और कौन सा है वो सिक्का जो हो गया है लाख गुना। जो दोस्त जो भाई नया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ भाई, शिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, और भगवान भोलेनाथ आप सभी की इच्छाएं पूरी करें, सबकी मनोकामना पूरी करें। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको कौन सा है वो सिक्का जो कि है लाख गुना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूं भाई वो कौन सा सिक्का है जो हो गया है लाख गुना। ये देखिए दोस्तों, ये है वो सिक्का, ये है चार आना जो है ब्रिटिश पीरियड का, ब्रिटिश शासन काल का। भाई ये चार आना है ना दोस्तों, ये भाई इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। पिछली वीडियो में, कई वीडियो में मैंने बताया आपको भाई, जो रिपब्लिक इंडिया के जो पुराने समय के और जो ब्रिटिश शासन काल के हैं, जो मुगल काल के हैं, जो सल्तनत के हैं, वो सिक्के काफी रेयर हैं और वो ही महंगे होते हैं भाई, क्योंकि वो एक हेरिटेज कॉइन होते हैं हमारे, जो कि हमारे इतिहास को दर्शाते हैं, जो हमारा इतिहास रहा है वो बताते हैं भाई, इतिहास को बिल्कुल बताते हैं भाई, सिक्के जो उनका ऐतिहासिक रूप रहा है और किस शासन काल के हैं, क्योंकि भाई हेरिटेज जो कॉइन होते हैं, जो ऐतिहासिक कॉइन होते हैं, उनकी बिल्कुल 100% कीमत बढ़ती है। मेरी एक वीडियो है जो जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो रेयर कॉइन की कीमत क्यों घटती है, क्यों घटती है, क्योंकि भाई वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं होता, ज़्यादा खास पुराना नहीं था, इसलिए उनकी कीमत घटती है। और क्या कारण है घटने का वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, देख सकते हैं। लेकिन जो ये हिस्ट्री से जुड़े हुए सिक्के हैं ना भाई, इनकी कीमत नहीं घटती दोस्तों, ये एक सच्चाई है। ये जो कॉइन है ये है ब्रिटिश शासन काल का, और जो ये राज, जिनका ये राज रहा, जिनका एम्पायर के शासन काल में ये बना, वो थे भाई जॉर्ज फिफ्थ, किंग एम्पायर। भाई ब्रिटिश शासन काल के जो जॉर्ज फिफ्थ थे, राजा थे, उनके शासन काल में ये सिक्का बना। कब बना ये? बना दोस्तों 1919 1920 1921, 3 साल दोस्तों ये सिक्का बना। भाई ये ध्यान से सुनना, ये अब जो मैंने शुरू की है बात, ये पूरी एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या लाख गुना सिक्का बड़ा है, और बड़ा है तो कौन से वाला, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। मैं आपको एक बार सिक्का दिखा देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि ये कौन सा ऐसा कॉइन है जो लाख गुना बड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाला सिक्का, ये है भाई चार आना, जो ये इस पे दिखाया भी हुआ है, जो मैं आपको ना खोल के दिखा देता हूँ ये सिक्का, थोड़ा सा शाइनिंग के कारण दिख नहीं पाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये वाला कॉइन जो है ये है जॉर्ज फिफ्थ का चार आना, मैं पलट के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसके चारों तरफ लिखा हुआ है चार आना, बीच में बिल्कुल लिखा हुआ है फोर, और नीचे लिखा हुआ आना इंग्लिश में, और अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में इधर लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चार आना। अब इसकी क्या डेफिनेशन है मैं वो दिखाता हूँ आपको बुक में। ये देखिए दोस्तों, बुक में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है भाई चार आना, देखिए ये मैं कहूँगा ये वाला दिखाइए, ये है चार आना जो जॉर्ज फिफ्थ के राज में बना था। मेटल इसका है कोपर निकल, और जो वेट है इसका 6.80 ग्राम, और साइज इसका 24 mm है, और ये जो स्क्रोल है इसके चारों तरफ, और कितने ये स्क्रोल है और ये कितने मिनटों में बना है, ये देखिए दोस्तों 2 मिनटों में बना है ये, क्योंकि भाई 2 ही मिनट चलती थी उस समय बॉम्बे और कैलकाटा। बना 3 साल, 1919 1920 1921। भाई आपको उत्सुकता हो रही होगी, देख लो पहले आप, है ना, ज़्यादा वाले देख लो, 30,000 रुपये का 1921 वाला, वो बताता हूँ कैसे। ये देखिए 2 मिनटों में बना है 1919 1920, महंगा तो ये भी अपनी कीमत के हिसाब से, चार आना कैसे किस तरह का है, ये आपने देख लिया कलकत्ता मिंट का, ये रेयर कॉइन है 1921 का, और ये स्केयर कॉइन है जो 1919 1920। अब बात करते हैं दोस्तों इनके रेयर होने का। भाई देखो 1919 में 1920 में जब ये सिक्के बने, भाई 1921 से पहले बन लिए थे ये, तो उससे 1 साल पुराने हो गए, 2 साल पुराने हो गए, लेकिन जो 1921 में बना वो भाई बहुत कम बने थे सिक्के, और पहले भी मैंने बताया जो कम बनते हैं वो भाई महंगे होते हैं।
अब बात करते हैं चार आना। किसी भाई को नहीं पता चार आने की क्या वैल्यू होती है। चवन्नी बोलते थे भाई 25 पैसे को। वो चवन्नी इसीलिए बोलते थे आने की वजह से, 25 पैसे को चार आना बोला जाता है। जब आना सीरीज स्टार्ट हुई हमारी, उसके बाद आई पैसा सीरीज, पैसे में 25 पैसे को चार आना, और 16 आने में 1 रुपया होता है भाई, और 8 आने में 50 पैसा होता है, जिसको हम अठन्नी भी बोलते थे बचपन में। ऐसे ही करके 100 पैसे में जैसे 1 रुपया होता है, ऐसे ही 16 आने में 1 रुपया होता है। अब आप अपने देखा 1921 में जो यूएनसी कंडीशन में है उसकी कीमत, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है 2024 की, वो है 30K, यानी 30,000 रुपये। अब उसको आप गुना कीजिए, 30,000 से 1 रुपये का चौथा हिस्सा है ये चार आना, ये चार आना 1 रुपये का चौथा हिस्सा है। तो 30K को मल्टीप्लाई 4 से 120,000 गुना। सच है भैया, 120,000 गुना इसकी वैल्यू आज के समय में है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, 1921 का होना चाहिए कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे। लुटना मत भाई, कभी आपको 1920 वाला सिक्का, 1919 वाला सिक्का कोई इस रेंज में देके चला जाए। इसीलिए कहता हूँ वीडियो एंड तक देखिए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके लिए जरूरी साबित हो जाए, ताकि आप मूर्ख ना बने। 1921 का ध्यान से लेना, और 30,000 रुपये भाई इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये नहीं है कि आप इसको जाके सीधा 30,000 रुपये में खरीद लो और फिर आगे वेट करो। हाँ ये डेफिनेट है, इसके दाम नहीं गिरेंगे भाई। मैंने एक वीडियो में बताया था दाम कैसे गिरते हैं रेयर कॉइन के, वो भी पीछे भी इसी वीडियो में लाइन में बोली भी है मैंने। ये जो प्राचीन सिक्के होते हैं ना, इन पे आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके भाई दाम है ना बढ़ेंगे, अगर स्लो बढ़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन गिरेंगे नहीं। लेकिन 30,000 रुपये में मत खरीदना। एक आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हैं, किस कलेक्टर से लेते हैं, क्या एग्जीबिशन से लेते हैं या कैसे लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर नहीं होगा नीचे ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी जो मैंने आपको समझाया सरल भाषा में, भाई कैसे आपको खरीदना है, कैसे आपको इसको रखना है, कौन से कॉइन आपको इकट्ठा करने हैं आपकी कलेक्शन में। प्राचीन सिक्कों को इकट्ठा कीजिए दोस्तों, नए नवेले सिक्कों को जो एकदम से रेट बढ़ते हैं, जैसे एक वीडियो में भी बताया था 20 रुपये का जो कॉइन है, जो कि 2021 का महंगा बताया जाता है, वो महंगा है जरूर, खरीदने में है, अगर आप बेचने जाओगे ना 2 साल बाद, उसकी जैसे कॉइनों की वैल्यू घटती है, ऐसे ही कॉइन होते हैं वो जिनकी वैल्यू एकदम से घट जाती है बढ़ के, क्योंकि लोगों ने बल्क में स्टार्ट कर दिए इकट्ठा करने। तो ऐसे मत करना, प्राचीन सिक्कों पर इन्वेस्ट कीजिए आप। तो कैसी लगी आपको जानकारी आज की, बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ये बताना भूल गया, सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, एक अच्छा सा लगता है, और मैं उसी में अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट देना चाहता हूँ कि मैं अधिक से अधिक जानकारी, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है भाई, एक शॉर्ट टर्म में समझाने की बजाय मैं सरल तरीके से समझाता हूँ ना, तो लंबी हो जाती है, और मेरे से है ना रुका नहीं जाता, मैं ना आपको अच्छे से डिटेल में समझाना चाहता हूँ, इसलिए लंबी हो जाती है। तो सब्सक्राइब कर लेना यार, आपका एक ही ड्यूटी है मेरे प्रति, मेरी वीडियो देखते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।